लेस्ली वांट्स ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन का क्या रिएक्शन था जब लेस्ली ने WWE चैंपियनशिप जीता और फाइनली क्या NXT मूव ऑन कर दिए ऑन ट्यूजडे नाइट्स, और भी काफी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइज, मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हैं रेसलिंग हिंदी न्यूज। चैनल पे न्यू है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बॉबी लैशली WWE चैंपियनशिप जीतने के बाद यहाँ पे एक ट्वीट किया था। उन्होंने बोला था, द ऑल माइटी एरा इज हियर #, एंड न्यू WWE चैंपियन। तो लेट्स सी बॉबी लैशली के न्यू जर्नी कैसे रहते हैं। और इसी को रिट्वीट करती है, और इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए यहाँ पे लाना ने लिखा था, से व्हाट यू विल बी अबाउट माई हिस्ट्री विद बॉबी लैशली, दिस इज अ मैन दैट बिलीव इन मी एंड माई पैशन फॉर द बिजनेस, एंड आई कुड नॉट बी मोर प्राउड ऑफ द मूवमेंट ऑफ बिकमिंग WWE चैंपियन। मतलब वो बहुत खुश है बॉबी लैशली की इस अचीवमेंट के लिए। इसके बाद बॉबी लैशली ने भी उनको रिट्वीट किया और उन्होंने बोला, यू एंड नियोमी आर नेक्स्ट। तो लेट्स सी क्या आगे लाना एंड नियोमी बन पाती है हमारे न्यू WWE टैग टीम वुमेन्स चैंपियन। इसके अलावा बात करते विंस मैकमैन का क्या रिएक्शन था जब बॉबी लैशली बैकस्टेज गए विद WWE चैंपियनशिप। तो यहाँ पे लैशली ने बोला, जब वो बैकस्टेज विंस मैकमैन के पास गए थे तब विंस मैकमैन ने उनका पूरा ग्रैब कर लिया था, एंड उनको थोड़ी देर ग्रैब करने के बाद उन्होंने बोला था, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब विंस मैकमैन भी बहुत खुश है कि आफ्टर 15 ईयर्स यहाँ पर बॉबी लैशली बन चुके हैं हमारे न्यू WWE चैंपियन। इसके अलावा यहाँ पे बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को कॉल आउट किया और उन्होंने बोला, यू नो बिफोर इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर एवरीवन सेज दैट दे वांट टू सी दैट मैच बट इट नेवर हैपेंड। और बॉबी लैशली चाहते कि इतने दिनों से मैच जब नहीं हुआ तो आखिर में ये मैच हो इस साल एट रेसलमेनिया। मतलब वो भी चाहते ब्रॉक लेसनर के साथ एक मैच। तो लेट्स सी क्या रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच होता है कि नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.84 मिलियन, जो कि पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि पिछले हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली थी 1.89 मिलियन। तो लेट्स सी आने वाले वीक्स में क्या रॉ की व्यूअरशिप 2 मिलियन के ऊपर जाती है कि नहीं। स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि NXT के लिए, और यहाँ पे रिपोर्ट्स की माने तो NXT आफ्टर रेसलमेनिया ट्यूजडे नाइट पे मूव ऑन करेगी, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स ये भी है कि बहुत जल्दी यहाँ पे WWE तैयारी कर रही है इस चीज़ को होने के लिए, और शायद प्रोबेबली रेसलमेनिया 37 के बाद ही हमें देखने को मिले। तो लेट्स सी क्या रेसलमेनिया के बाद NXT हमें परमानेंटली ट्यूजडे नाइट्स पे देखने को मिलता है कि नहीं। तो यही थे आज के कुछ न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।